नमस्कार, इंडिया खबर लाइव में आपका स्वागत है। और अब देते हैं खबरों को विस्तार। साहेगढ़ क्षेत्र में उत्तर वन मंडल के वन रक्षक को बैलगाड़ी छोड़ने और ईंट भट्टा लगाने के एवज में लोकायुक्त पुलिस सागर ने 11,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। लोकायुक्त पुलिस अभिषेक वर्मा ने बताया कि आवेदक जयराम लोधी निवासी ग्राम तिगोड़ा तहसील साहगढ़ ने लोकायुक्त कार्यालय में लिखित में शिकायत की थी कि बैलगाड़ी छोड़ने और ईंट का भट्टा लगाने के एवज में आरोपी दिनेश मिश्रा वन रक्षक उत्तर वन मंडल चौकी तिगोड़ा तहसील साहगढ़ के द्वारा 11,000 रुपयों की रिश्वत की मांग की जा रही है। लोकायुक्त पुलिस ने शिकायत की जांच की और उसके उपरांत शनिवार को एक दल गठित किया और इस ट्रैफ दल ने उत्तर वन मंडल कार्यालय तिगोड़ा में वन रक्षक दिनेश को आवेदक के द्वारा 11,000 रुपए लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। लोकायुक्त टीम में निरीक्षक बीएम द्विवेदी और अभिषेक वर्मा के नेतृत्व में कार्रवाई की गई। बताया जाता है कि वन रक्षक दिनेश मिश्रा खुद ईंट का भट्टा चलाता है और दूसरे भट्टे वालों से हर महीने रुपयों की वसूली करता है। इंडिया खबर लाइव के लिए सागर से नीलेश कुमार की रिपोर्ट। राजी ने कितने पैसे मांगे? 11। शिकायत कहाँ की? ईंट भट्टा चलाने के लिए 11,000 रुपये की पैसे मांगे। उसी प्रकार कार्रवाई आज की क्योंकि कितनी जाके पकड़ी गई? 11,000 रुपये।